आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी न्यू और अमेजिंग रेसिपी। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। बस रोटी पे बेसन घोल के डाल दो और फिर देखो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। आपका बाजार जाकर बहुत सारे पैसे खर्च होने से बच जाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और अब इसमें डालेंगे हम बेसन। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून बेसन लूंगी और फुल भर के बेसन लेना है। ये तीसरा 3 टेबल स्पून ले लिया। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। और अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हमें बैटर बनाना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाना है, ना ही ज़्यादा हमें गाढ़ा बनाना है और ना ही पतला बनाना है। देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसको घोल लूँगी। और देखिए मैंने इसका स्मूथ सा बैटर बना लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बस इसी तरीके की हमें रखना है, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली है। तो अब इसको हम साइड में रखेंगे। नेक्स्ट हमने एक बाउल में एक बड़े साइज का आलू ले लिया है। इसको मैंने बॉईल करके अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसी के साथ ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप मिर्च को अवॉइड कर दें। और अब लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है आलू में, तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले आलू के पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इस तरीके से मिला लेंगे। और देखिए मैंने सारे मसाले को आलू पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे ये बेसन जो अभी हमने घोल के रखा था ना, ये सारा इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनता है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेसन आलू और जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देखिए आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है, ना ये बहुत ही पतला है और ना ये बहुत गाढ़ा है, बिल्कुल सही है। और इस पॉइंट पर आप नमक भी टेस्ट कर लें। अगर आपको थोड़ा सा कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए बहुत अच्छे तरीके से आलू और बेसन के बैटर को मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने 4 रोटी ले ली हैं। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको नाश्ता बनाना है। अब हम 1 रोटी लेंगे और 3 रोटियों को हम साइड में रखेंगे। और देखिए अब हमें आलू पे, अब रोटी पे हमें ये आलू और बेसन का नाश्ता डालना है जो अभी हमने रेडी करके रखा है ना, वो हम डालेंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा ही थोड़ा लगाना है। तो 1 से 2 चम्मच लगेगा तकरीबन 1 रोटी पर। और अच्छे से हम चारों तरफ इसको फैला लेंगे। देखिए इस तरीके से, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लगाएंगे और इस तरीके से फैलाते हुए हमें चारों तरफ रोटी पे लगा लेना है। और देखिए मैंने चारों तरफ आलू और बेसन का अच्छे से बैटर लगा लिया है। अब क्या करना है, हमें कॉर्नर से पकड़ना है और इस तरीके से रोटी को हमें फोल्ड करना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बस ऐसे ही करना है और दबाते हुए करना है, हल्के हाथों से नहीं करना है, अच्छे टाइट हाथों से करना है दबाते हुए, और इसका रोल बना लेना है। तो ये देखिए मैंने रोल बना लिया है, आप देख सकते हैं खूब अच्छा रोल बन गया है। बस अब इसको हम साइड में रखेंगे और एक दूसरी रोटी लेंगे और सेम इसी तरीके से हम इस पर भी लगाएंगे। तो चलिए एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 चम्मच बैटर लेना है और इस तरीके से लगाना है, और एक और चम्मच लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच में 1 रोटी पे आराम से बैटर लग जाएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का ही लगाना है चारों तरफ। तो फैलाते हुए लगा लेंगे। और देखिए फैलाते हुए मैंने चारों तरफ लगा लिया है। अब बस सेम वैसे ही करेंगे, कॉर्नर से रोटी लेंगे और इस तरीके से रोटी को मोड़ देंगे, और टाइट मोड़ना है, हल्के हाथों से नहीं मोड़ना है। तो देखिए अच्छे से मैंने मोड़ लिया है। अब चारों रोटी को हम ऐसे ही कर लेंगे। और देखिए मैंने चारों रोटी के रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक कढ़ाई में एक गिलास पानी पहले से ही डाल के रख दिया था गरम होने के लिए, और उसके ऊपर इस तरीके की मैंने एक छन्नी रख दी है क्योंकि हमें अब रोटियों को स्टीम करना है। तो देखिए एक एक करके हम इसमें रोटी जमा देंगे इस तरीके से देखिए, और गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे क्योंकि अब हमें रोटियों को स्टीम करना है। रोटी तो हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, लेकिन जो इसमें हमने आलू और जो बेसन का बैटर लगाया है उसे हमें पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और इसको हम कवर कर देंगे। 8 से 10 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको स्टीम करते हुए रोटियों को, और देखिए रोटी बहुत अच्छे से स्टीम हो गई हैं। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको हम बाहर निकाल के ठंडा करेंगे। और देखिए यहाँ पे रोटियाँ ठंडी हो गई हैं, जो हमने आलू और बेसन का बैटर लगाया था वो अच्छे से पक गया है। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे, और देखिए अब इसको किस तरीके से काटना है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से काटूंगी, आप कैसे भी इसको काट सकते हैं, गोल भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं। देखिए मैं इसको इस तरीके से इसको काट लूँगी। तो सारी ही रोटी को हमें इसी तरीके से काट के रेडी करना है। दूसरी रोटी को भी मैं काट के दिखाऊंगी, और ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरीके से काटा है। दूसरी रोटी को भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको काटेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कट जाएगा क्योंकि सभी चीज़ें पकी हुई हैं, अंदर का बैटर भी पका हुआ है और रोटी भी हमारी अच्छे से पकी हुई है, सभी चीज़ें अच्छे से स्टीम हो गई हैं। और ये देखिए बस ऐसे ही काट के रेडी कर लेंगे सारी रोटियाँ। और यहाँ देखिए हमने सारी रोटी को कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है, और जो हमने नाश्ता को कट करके रखा था रोटी का, अब उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही इनको हमें फ्राई करना है। बहुत ही कुरकुरे फ्राई होते हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं पीते हैं क्योंकि हमने इसको रोटी से बनाया है, इसलिए ये बिल्कुल भी ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, और 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो एक एक करके इसमें हम डाल देंगे, इनको अलगते पलटते हुए फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगे, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएंगे, और इनमें बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि देखिए एक साइड से अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इनको फ्राई करेंगे। जब भी आपके पास रात की कोई रोटी बच जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और सुबह के नाश्ते में या आप एज अ स्नैक्स भी इसको खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। टेस्टी तो ये है ही, साथ में हेल्दी भी बहुत है ये। और देखिए 2 से 3 मिनट हुए हैं इनको फ्राई करते हुए, और मैंने इनको अलगते पलटते हुए फ्राई करा है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा इसमें कलर आया है, और देखने में ही नाश्ता हमारा कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अब इसको हम बाहर निकालेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ नाश्ता है उसको भी हम फ्राई करेंगे। और देखिए मैंने नेक्स्ट बैच भी ऐड कर दिया है, अब इसको भी हम फ्राई करेंगे। और देखिए नेक्स्ट बैच को भी मैंने अलगते पलटते हुए फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये, बहुत ही प्यारे, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब इनको हम बाहर निकालेंगे, और अब इनको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए बनके तैयार हो गया है बहुत ही कुरकुरा करारा रोटी का नाश्ता। आप इसको किसी भी केचप के साथ खाइए या फिर चटनी के साथ, बस मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर लेकर आऊँगी एक और न्यू और अमेजिंग रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।